हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग सिविक्स का आज 10वां मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, जो आपके उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सिविक्स का ये मॉडल पेपर आपके टीजीटी, पीजीटी, जीएससी परीक्षा, अन्य परीक्षाओं में भी काफ़ी हेल्प करेगा। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और इसके पहले का सभी मॉडल पेपर आप लोग देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले उदारवादी विचारक हैं। चार ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोग खुद से पहले आंसर दें, उसके बाद आप लोग आंसर को मिलाएं और अंत में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका कितना स्कोर हो रहा है इस मॉडल पेपर में। तो चार ऑप्शन हैं, सी वी मैक्सफर्सन, कार्ल जे पापर, जॉन रॉल्स, एल टी हॉबहाउस। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो दूसरा वाला ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले उदारवादी विचारक जो थे कार्ल जे पापर थे। तो यहाँ पर दूसरा वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 333 सुनिश्चित करता है। 333 किसको सुनिश्चित करता है? राज्य की विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व के लिए, या राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण के लिए, या तीसरा है लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व, चौथा है लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण। तो अनुच्छेद 333 क्या सुनिश्चित करता है? राज्य की विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। तो पहला वाला ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, समाजवाद परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलने वाला गिरगिट का सा धर्म है, यह किसने कहा है? सी ई एम जोड ने, लास्की ने, सी एल वेपर ने, या रैमजे म्योर ने? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ये कहा था रैमजे म्योर ने, ठीक है, इन्होंने कहा था समाजवाद जो है परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलने वाला गिरगिट का सा धर्म है। तो यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में समता है क्योंकि क्यों समानता है, ये बताना है आपको। पहला है, दोनों व्यक्ति की तुलना में राज्य और समाज को अधिक महत्व देते हैं। दूसरा है आपका, दोनों आदर्श राज्य को प्राप्त करना चाहते हैं, दोनों त्याग में विश्वास करते हैं, या दोनों व्यक्ति के अधिकारों पर अधिक बल देते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक समय के साम्यवाद में जो है जो समानता देखी जाती है, इसमें दोनों व्यक्तियों की तुलना में राज्य और समाज को जो है अधिक महत्व देते हैं। तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो की अध्ययन पद्धति थी अनुभववात्मक, निगमनात्मक, आगमनात्मक, या तुलनात्मक? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो प्लेटो की जो अध्ययन पद्धति थी आप लोग जानते होंगे निगमनात्मक थी, यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यह किसका मत है कि ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं है? ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं है, किसका मत है ये? डी टॉकविले, रैमजे म्योर, एच लास्की, ब्रोगन? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी टॉकविले, ठीक है, ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं है, ये कहा था डी टॉकविले ने। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में परिभाषित किया है? लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में किसने परिभाषित किया है? चार ऑप्शन है, एडम स्मिथ, ई बर्क, एच लास्की, या टी वी स्मिथ? आप सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर अवश्य किया करें और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितना आपका स्कोर इस मॉडल पेपर में हुआ है। तो यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, टी वी स्मिथ ने, ठीक है, इन्होंने लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में परिभाषित किया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधियों के समान संरक्षण का वाक्यांश लिया गया है, ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से, या संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, या जापान के संविधान से? तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधियों के समान संरक्षण का जो वाक्यांश लिया गया है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, दूसरा वाला ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है आपका, राजनीतिक दल ही देश में तानाशाही के उदय से हमारी रक्षा का सबसे बड़ा साधन है, यह किसने कहा है? मैकाइवर, फाइनर, ब्राइस, लास्की, चार ऑप्शन हैं। तो ये लास्की का कथन है, ठीक है, यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दल का जनतंत्र से कहीं अधिक प्राचीन है, यह किसने कहा है? लास्की, ब्राइस, लावेल बर्क, चार ऑप्शन हैं। तो ये ब्राइस महोदय का कथन है, ठीक है, यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गणपूर्ति के लिए न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गणपूर्ति के लिए न्यायाधीशों की कुल संख्या 15, 7, 11, 9। तो यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो है गणपूर्ति के लिए न्यायाधीशों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो 9 होनी चाहिए, यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका मानव स्वतंत्रता की सर्वोत्कृष्ट अग्रदूत है? प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण या परमादेश? स्वतंत्रता की सर्वोत्कृष्ट अग्रदूत है मानव की, कौन सा रिट? तो वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे चतुर्थ स्तंभ या फोर्थ स्टेट कहा जाता है? नौकरशाही, न्यायपालिका, प्रेस या राजनीतिक दल? तो चौथा स्तंभ आप लोग जानते होंगे, प्रेस को कहा जाता है, तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, बाह्य संप्रभुता की अवधारणा को किसने दिया है? बाह्य संप्रभुता की अवधारणा को किसने दिया है? ग्रोशियस, ओपेनहाइमर, कांट या रूसो? तो बाह्य संप्रभुता की अवधारणा जो है ये ग्रोशियस ने दिया था, पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसी राज्य विधि की संवैधानिक वैधता की चुनौती दी जा सकती है? केवल उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में या किसी प्रशासनिक न्यायाधिकरण में, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय दोनों में? तो यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत के किसी राज्य विधि की संवैधानिक वैधता की चुनौती जो है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, विधि की उचित प्रक्रिया न्यायिक व्यवस्था का एक आवश्यक लक्षण है? यूके में, फ्रांस में, यूएसए में, भारत में? तो ये यूएसए में है, ठीक है, तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यह किसने कहा, प्रत्येक व्यक्ति एक गिना जाए तथा कोई भी एक से अधिक ना गिना जाए, ये किसने कहा था? रूसो, बेंथम, मिल, अब्राहम लिंकन, चार ऑप्शन हैं आपके सामने। तो ये जर्मी बेंथम का कथन है, प्रत्येक व्यक्ति एक गिना जाए और कोई भी व्यक्ति एक से अधिक ना गिना जाए, ये जर्मी बेंथम का कथन था, दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? नहीं प्रश्न में पूछा है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद जो है 14 है, विधि के समक्ष समानता, ये तो सही है। अनुच्छेद 21 जो है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है, ये भी सही है। अनुच्छेद 25 जो है, ये धार्मिक कार्यों में प्रबंधन की स्वतंत्रता है, तो ये आपका गलत लग रहा है, ठीक है, अनुच्छेद 25 नहीं, कितना है, 29 है ना शायद, इसको आप लोग कमेंट कीजिएगा, यही आपका गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है। अनुच्छेद जो 23 है, ये मानव के दुर्व्यापार बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है, तो ये भी आपका सही दिख रहा है, तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन सही नहीं है। अगला है, अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ राइट्स किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? बिल ऑफ राइट्स किस संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया? 13वां, 14वां, 15वां या प्रथम 10 संशोधन? तो बिल ऑफ राइट्स अमेरिका में आप लोग पढ़े होंगे, प्रथम 10 संशोधन के द्वारा जो है जोड़ा गया था। अगला है, बर्क किस सिद्धांत का समर्थक था? किस सिद्धांत का समर्थक था बर्क? नैसर्गिक अधिकार का, कि ऐतिहासिक अधिकार का, या कानूनी अधिकार का, या नैतिक अधिकार का? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ये सही हो जाएगा आपका, ऐतिहासिक अधिकार का, ठीक है, बर्क जो था वो ऐतिहासिक अधिकार सिद्धांत से संबंधित था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का एक लक्षण नहीं है? नहीं पूछा है प्रश्न में,
प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का एक लक्षण नहीं है। लोकसभाएं, जनमत संग्रह, आरंभक या आनुपातिक प्रतिनिधित्व। तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का लक्षण आनुपातिक प्रतिनिधित्व को नहीं माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है। ये किसने कहा था, गिलक्राइस्ट, लास्की, गेटल, गार्नर, चार ऑप्शन हैं। तो आप लोग बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पहला वाला हो जाएगा, गिलक्राइस्ट ने कहा था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है, ठीक है। तो पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम हुआ था। आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था, अमेरिका में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, रूस में, चार ऑप्शन हैं। तो ये हुआ था आपका इंग्लैंड में, ठीक है। तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, वितरक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किया गया था। वितरक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, अरस्तु, गॉडविन या हर्बर्ट स्पेंसर या जॉन रॉल्स के द्वारा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये सही हो जाएगा आपका अरस्तु के द्वारा, ठीक है। वितरक न्याय का सिद्धांत सर्वप्रथम जो है अरस्तु के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अधिकार कानूनों का तथा केवल कानूनों का फल है, बिना कानूनों के कोई अधिकार नहीं, कानूनों के खिलाफ कोई अधिकार नहीं तथा कानूनों से पहले कोई अधिकार नहीं, यह कथन किसका है, वेंथम, डाइसी, लास्की, ऑस्टिन, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये कथन है वेंथम का, ठीक है। अधिकार कानूनों का तथा केवल कानूनों का फल है, बिना कानूनों के कोई अधिकार नहीं, कानूनों के खिलाफ कोई अधिकार नहीं तथा कानूनों से पहले कोई अधिकार नहीं, ये वेंथम का कथन है। पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा एक सिद्धांत सर्वाधिक स्वीकार्य है, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दो, विकासवादी सिद्धांत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधि का शिशु तथा जनक दोनों ही है, यह कथन संबंधित है, मैकाइवर से, ऑस्टिन से या हॉफ से या क्रैप से। तो ये कथन है आपका मैकाइवर से, ठीक है। राज्य विधि का शिशु तथा जनक दोनों है, ये मैकाइवर से संबंधित है। अगला है, राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत, आप लोग जानते होंगे सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है, दैवी सिद्धांत, है ना। तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई, आप लोग जानते होंगे राजस्थान में 1959 में। अगला है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में निहित है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस में है, 280 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है, राष्ट्रपति को, संसद को, उच्चतम न्यायालय को या लोकसभा को। तो तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, पूना पैक्ट कब हुआ था, 31, 32, 33, 34, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। पूना पैक्ट कब हुआ था, 1932 में, यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत राज्यों का संघ है, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित है, भारत जो है राज्यों का संघ है यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित है, पहले अनुच्छेद, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आप लोग जानते होंगे पहले ही अनुच्छेद में ये कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन का प्रावधान है, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए प्लीज। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, मंत्रिपरिषद में, कैबिनेट में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में। भारतीय संविधान के अनुसार जो है केंद्र की कार्यपालिका शक्ति जो है किसमें निहित है, राष्ट्रपति में निहित है। अगला क्वेश्चन है, सभी कुछ राज्य में निहित है, राज्य से बाहर कुछ भी नहीं है, राज्य ही सर्वोपरि है, यह विशेषता कहाँ दिखाई देती है, समाजवाद में, साम्यवाद में, उदारवाद में, सर्वाधिकारवाद में।
तो ये कहाँ दिखाई देती है? सर्वाधिकारवाद में, ठीक है। सभी कुछ राज्य में निहित है, राज्य से बाहर कुछ भी नहीं है, राज्य ही सर्वोपरि है, यह विशेषता जो है सर्वाधिकारवाद में दिखाई देती है। तो चौथा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उदारवाद का मौलिक सिद्धांत है, उदारवाद का मौलिक सिद्धांत क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, समानता या राष्ट्रवाद? तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा व्यक्तिक स्वतंत्रता, ठीक है। उदारवाद का मौलिक सिद्धांत जो है व्यक्तिक स्वतंत्रता है, पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्याय शब्द का उल्लेख कहाँ पर है? न्याय शब्द का उल्लेख जो है कहाँ पर है? प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार के अध्याय में, नीति निर्देशक तत्वों के अध्याय में, कहीं नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ये प्रस्तावना में, ठीक है। प्रस्तावना में जो है भारतीय संविधान में न्याय शब्द का उल्लेख कहाँ पर है? अगला क्वेश्चन है, दी पावर्टी ऑफ फिलासफी के लेखक कौन है? माओ, लेनिन, मार्क्स या स्टालिन? तो दी पावर्टी ऑफ फिलासफी किसकी पुस्तक है? तो ये मार्क्स की पुस्तक है, यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो आप लोग जानते होंगे अनुच्छेद 360 के अंतर्गत जो है किया जाता है। अभी तक एक भी बार भारत में वित्तीय आपात की घोषणा नहीं हुई है। अगला क्वेश्चन है, फिलासफी ऑफ पावर्टी के लेखक हैं, फिलासफी ऑफ पावर्टी के लेखक प्रूधो, मार्क्स, लास्की, मैकाइवर? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ये प्रूधो हैं, ठीक है, पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन थे? इंडिया विंस फ्रीडम किसकी रचना है? अबुल कलाम आज़ाद की रचना है, दूसरा वाला ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आप लोग जानते होंगे गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला क्वेश्चन है, किस देश में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है? किस देश में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है? भारत में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ब्रिटेन में या स्विट्जरलैंड में? तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है, चौथा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का एक कारक है, यह किस सिद्धांत से संबंधित है? शक्ति का सिद्धांत, दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत या विकासवादी सिद्धांत? तो यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, विकासवादी सिद्धांत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रारूप तैयार करने के लिए गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग जानते होंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में केंद्र पहली गैर कांग्रेस सरकार का गठन कब हुआ था? 68 में, 71 में, 77 में या 79 में? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरा वाला हो जाएगा, 1977 में जो है भारत में केंद्र पहली जो है गैर कांग्रेस सरकार का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व में प्रथम समाजवादी राज्य की स्थापना कहाँ हुई थी? प्रथम समाजवादी राज्य की स्थापना जो है कहाँ पे हुई थी? चीन में, सोवियत संघ में, क्यूबा में या चेकोस्लोवाकिया में? तो ये सोवियत संघ में जो है पहली बार जो है प्रथम समाजवादी राज्य की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध है? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अनुच्छेद 17। अगला क्वेश्चन है, अब तक के विद्यमान समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, यह कथन किसका है? लेनिन का, स्टालिन का, कार्ल मार्क्स का या माओ का? तो आप लोग पढ़े होंगे कार्ल मार्क्स के द्वारा जो है ये बताया गया था, तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये थ्योरी ऑफ जस्टिस किसके द्वारा लिखी गई है? जॉन रॉल्स के द्वारा, नेहरू के द्वारा, अंबेडकर के द्वारा या लॉक के द्वारा?
तो ये थियोरी ऑफ जस्टिस जो है ये जॉन रॉल्स की पुस्तक है, पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? रूसो के द्वारा, कार्ल मार्क्स के द्वारा, लास्की के द्वारा या मिल के द्वारा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दो, कार्ल मार्क्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, शिमला समझौता में से किन देशों के बीच हुआ था? शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? भारत बांग्लादेश, भारत श्रीलंका, भारत भूटान या भारत पाकिस्तान? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वेल्स, वंश या मिल या अरस्तु? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जे एस मिल है। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नामक पुस्तक के लेखक जे एस मिल हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मतानुसार भारत में लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है? बहुल राजनीति, संप्रदायवाद या क्षेत्रवाद या जाति प्रथा? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जाति प्रथा जो है सबसे बड़ी बाधा है डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, जर्मी बेंथम के अनुसार प्रकृति ने मनुष्य को दो शक्तिशाली स्वामियों के नियंत्रण में रखा है जिनके नाम हैं सुख और शांति, सुख और समृद्धि, सुख और श्रेय या सुख और दुख? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चार, सुख और दुख। ठीक है, जर्मी बेंथम के अनुसार जो है प्रकृति ने मनुष्य को दो शक्तिशाली स्वामियों के नियंत्रण में रखा है, वो है सुख और दुख। अगला क्वेश्चन है, इतिहास कुलीन वर्गों का शमशान है, यह कथन किस विचारक का है? इतिहास जो है कुलीन वर्गों का शमशान है, यह कथन किस विचारक का है? प्लेटो का, पायरेटो का, मोस्को का या वर्नहम का? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ये सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दो, पायरेटो का। ठीक है, इतिहास कुलीन वर्गों का शासन है, यह कथन जो था वो पायरेटो का था। दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी संविधान द्वारा किसकी शक्तियाँ निश्चित कर दी गई हैं? अमेरिकी संविधान द्वारा जो है किसकी शक्तियाँ निश्चित कर दी गई हैं? संघ की, राज्य की या दोनों की या किसी की भी नहीं? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पे पहला वाला सही हो जाएगा, संघ की। ठीक है, अमेरिकी संविधान द्वारा जो है संघ की शक्तियाँ जो है निश्चित कर दी गई हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान में राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का उपबंध है, यह किस अनुच्छेद में निहित है? 343, 44, 45 या 46? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ये 344 में ये उपबंध किया गया है। ठीक है, संविधान में जो है राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का उपबंध किया गया है अनुच्छेद 344 में। फ्रेंड्स, आज का अंतिम प्रश्न होगा और सभी लोग आप लोग कमेंट कीजिएगा अपना स्कोर और वीडियो को लाइक शेयर एक बार जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अंतिम प्रश्न को देखते हैं। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है? संविधान का 52वां संशोधन अधिनियम या जन प्रतिनिधित्व का कानून या संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम या संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा संविधान का जो 52वां संशोधन अधिनियम था, इसने जो है इसमें बताया गया था कि विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर जो है प्रतिबंध लगाया गया था संविधान के 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।